नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। इंटरनेट और ई कॉमर्स या इंटरनेट और आईटी ट्रेंड्स, दोनों सब्जेक्ट से संबंधित यह क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को समझाइए। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको ई कॉमर्स के बारे में बताया था, और ई कॉमर्स अर्थात इंटरनेट ऑनलाइन खरीदी बिक्री, ठीक है, खरीदना या बेचना किसी सामान को, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यह ई कॉमर्स कहलाता है। और ई कॉमर्स के बदले में जो आप पेमेंट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से आपको करना पड़ता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम चार या पांच तरह के आप लोग करते होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ईएमआई, ईएमआई मतलब किस्तों में पेमेंट आप करते होंगे, इसके अलावा यूपीआई जो नया पेमेंट टाइप है, और इसी का यूज ज्यादातर लोग करते हैं। अब इन सब चीजों पे तो आपका ध्यान गया होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम पे बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले पेमेंट सिस्टम हैं। लेकिन कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जिनका यूज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के जो हाल ही में वर्जन आए हैं, यूपीआई या डेबिट कार्ड यानी इंटरनेट बैंकिंग, इनसे पहले जो यूज होते थे, या आपको ज्यादा बड़ी मात्रा में ज्यादा बड़ी राशि यदि कहीं ट्रांसफर करना है तो आप किस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। ज्यादा यूपीआई से आप ज्यादा बड़ी राशि ट्रांसफर नहीं कर सकते, डेबिट कार्ड के थ्रू आप ज्यादा बड़ी राशि ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर होने वाले कुछ पेमेंट सिस्टम के बारे में हम आज आपको बताएंगे। आपने नाम सुना होगा आरटीजीएस, ठीक, आरटीजीएस के बाद आपने नाम सुना होगा आईएमपीएस, और आईएमपीएस के बाद साथ ही आपने नाम सुना होगा एनईएफटी, ठीक। तो जो व्यापारी लोग हैं वो पहले से ही इंटरनेट के थ्रू या बैंक के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करते आए हैं। आपको या किसी आम व्यक्ति को ऑनलाइन पेमेंट की जरूरत तभी पड़ती है जब आपको कोई काम होता है, कोई ई कॉमर्स में काम होता है या किसी को पेमेंट भेजना होता है। लेकिन एक व्यापारी को हर समय पेमेंट ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध चाहिए, और इसीलिए जब यूपीआई आया उससे पहले बहुत कम लोग ऑनलाइन पेमेंट का यूज करते थे, लेकिन जो व्यापारी लोग हैं वो बैंक के थ्रू आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी पेमेंट करते थे। अब आरटीजीएस पेमेंट का फायदा क्या है, आरटीजीएस पेमेंट क्यों करें? पहला, सिक्योर पेमेंट ट्रांसफर होता है। दूसरा, आपको पेमेंट ट्रांसफर करना हो और 2 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांसफर करना हो तो आप क्या करेंगे? आप यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन आरटीजीएस के थ्रू मिनिमम 2 लाख रुपए से लगा के आप निश्चित या अनिश्चित रकम तक किसी भी खाते में सेंड करवा सकते हो, ठीक है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह फंड ट्रांसफर का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है जो कि बैंक के माध्यम से किया जाता है। आप बैंक के अंदर जाकर आरटीजीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको आरटीजीएस के माध्यम से धन हस्तांतरण शुरू करने के लिए ग्राहक के पास, लाभार्थी के जिसके बैंक खाते में आपको पेमेंट डालना है, उसका आईएफएससी कोड, उसका नाम, उसका खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर और बैंक का नाम होना चाहिए। साथ ही सामने वाले की, जो लाभार्थी है जिसको आप पेमेंट भेज रहे हैं, उसके खाते में, उसका खाता जिस बैंक के अंदर है उस बैंक में आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम एक्टिव होना चाहिए, ठीक। आरटीजीएस की सीमाएं क्या हैं? तो यह समय के अनुसार चलता है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग समय होता है। यहाँ पे इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं 9 से 4:30 बजे तक आप आरटीजीएस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शनिवार वाले दिन 9 से 2 बजे तक यह उपलब्ध होता है, लेकिन यह पुराना समय हो सकता है। साथ ही 2 लाख रुपए से कम के लेन देन पर आरटीजीएस नहीं कर सकते हैं, 2 लाख से ऊपरी इनकम होना। इसके अलावा जो चार्जेस होते हैं वो काफी कम होते हैं, 2 से 5 लाख रुपए तक 30 रुपए दिया हुआ है, और 5 लाख से ऊपर के लिए 55 रुपए दिया हुआ है, 55 रुपीज।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं NEFT एक और पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इन दोनों में कंपैरिजन बता रखा है, NEFT स्मॉल ट्रांसफर के लिए होता है और RTGS लार्ज ट्रांसफर के लिए होता है। सेटल बेस्ड के रूप में होता है और यह कंटिन्यूस होता है, एट ए टाइम होता है। मिनिमम ट्रांसफर यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 2 लाख रुपए RTGS के लिए जरूरी होते हैं। यहाँ पे चार्जेस भी दिए हुए हैं और टाइमिंग भी दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप RTGS के बारे में आज जान गए होंगे। RTGS के बाद एक और जो पेमेंट सिस्टम होता है वो होता है IMPS या NEFT। ठीक है, हम NEFT के बारे में पहले देख लेते हैं। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यह 2005 में शुरू किया गया था। NEFT भारत में बैंक ग्राहकों को किसी भी आधार पर 2 NEFT सक्षम खातों के बीच फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है। इसकी न्यूनतम राशि 1 रुपए है और ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। मिनिमम स्थानांतरण की गति 2 घंटे दी हुई है। भुगतान के लिए विकल्प ऑनलाइन और ऑफलाइन। सेवा की क्षमता 8 से 6.5 रुपए 6.5 बजे तक दी हुई है और शनिवार के दिन 8 से 1 बजे तक, तथा अवकाश के दिन यह स्थानांतरण नहीं होता है। यहाँ पे शुल्क भी अलग अलग दिया हुआ होता है। NEFT भी बैंक से बैंक में की जा सकती है। बैंक के अलावा आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग के खाते से भी NEFT कर सकते हैं। ठीक, तो यह NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके अलावा IMPS एक और पेमेंट ट्रांसफर का तरीका है, जो बैंक के माध्यम से या आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक, इमीडिएट पेमेंट सर्विस NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कब शुरू किया गया? 2010 में शुरू किया गया था और आज 150 से अधिक बैंक इसमें शामिल हैं। 24 घंटे 7 दिन यानी कि 365 दिन में कभी भी किसी भी समय दिन या रात छुट्टी हो बैंक की, तब भी आप ये कर सकते हैं। जबकि RTGS और NEFT को आप बैंक बंद होने के समय पर नहीं कर सकते। IMPS कभी भी किया जा सकता है, इसका कुछ मिनिमम शुल्क होता है, वह आप दे सकते हैं। इसके अलावा IFSC कोड जरूरी होता है। आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी डाल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए यहाँ पर दी हुई है। 2 लाख रुपए तक आप कभी भी IMPS के थ्रू डाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, तो वह बिना इंटरनेट के मोबाइल के भी फोन नंबर और MMID के द्वारा IMPS ट्रांसफर कर सकता है। अलग अलग बैंकों के अलग अलग शुल्क होते हैं IMPS के ऊपर, तो वह भी आप देख सकते हैं। IMPS आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग इत्यादि से कर सकते हैं। NEFT और RTGS की तरह IMPS के माध्यम से भी मनी ट्रांसफर करना सुरक्षित होता है। इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्ट डिवाइस ना हो तो भी आप इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। 24 घंटे 7 दिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो आप इस तरह से IMPS का उपयोग कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के पेमेंट सिस्टम जो आपको हो सकता है जानकारी इसके बारे में ना हो, RTGS, IMPS और NEFT। इसके अलावा एक पेमेंट गेटवे होता है। पेमेंट गेटवे के बारे में आपने सुना होगा। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके खाते से जो पेमेंट करता है वो सामने वाले यानी कि ग्राहक जो ग्रहीता है उस तक पहुंचाने के लिए जो बीच में एक संस्था जो एक एजेंसी काम करती है वो पेमेंट गेटवे कहलाता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप को यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।